नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके साथ आप लोगों के साथ आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की। जी हां, दौसा जिले के सिकराय में कुछ समय पहले दो दुकानों को सील किया गया था, लेकिन शाम होते होते ही उनकी सील को खोल दिया गया। आखिर सील खोलने के पीछे क्या कारण है, आइए नजर डालते। भारत सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर व्यापारी पर त्वरित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है। सिकंदरा के बांदीकुई रोड पर स्थित लोहे की दुकानें सीज की गई थी। रामू आयरन स्टोर व लक्ष्मी आयरन स्टोर पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया गया था, परंतु इनमें से एक दुकान लक्ष्मी आयरन की सील शाम के समय खोल दी गई थी। सिकराय एसडीएम ने बताया कि दो दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया था, लेकिन लक्ष्मी आयरन के दुकान मालिक ने बताया कि मैंने सफाई करने के लिए दुकान खोली थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि लॉकडाउन के समय सफाई से क्या मतलब है, कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा और दूसरे दुकानदार रामू भिंड द्वारा अभी तक जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने बताया कि अब सब लोगों पर तो कानूनी कार्रवाई कर नहीं सकते। इन व्यापारियों ने भारत सरकार व राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना की है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, परंतु एसडीएम साहब ने इनको समझाकर छोड़ दिया। इनमें से एक व्यापारी लोहे की दुकान के साथ साथ गुटके में भी कालाबाजारी कर रहे थे। छोटे व्यापारियों पर तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो जाती है, परंतु बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पुलिस विभाग और एसडीएम साहब के पास इन व्यापारियों की लगातार शिकायतें हो रही थी। उसी को देखते हुए सुबह के समय में दुकानों को सील किया गया था, परंतु ऐसा क्या रहा कि शाम के समय इनमें से एक दुकान को सील खोल दी गई और अभी तक लंबित है? क्या यही लॉकडाउन है? क्या यही उचित कार्रवाई है? क्या माने या फिर सील की डील है? सर, अभी कल सिकंदरा चौराहे पे जो दो दुकान सीज की हुई थी जो सरिया वाली, उसमें अभी क्या चल रहा है? उसमें एक दुकान तो अभी सीज है जी, दूसरी की केवल सीज हटाई है, लेकिन ये नहीं कि मतलब वो दुकान नहीं खोलेगा, उसको पाबंद करके पाबंद कर दिया है। दूसरे दुकानदार जो रामू भिंड है, उनकी अभी कोई फोन आया या कोई समझाया? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी जवाब भी नहीं दिया। दुकानदार का क्या कहना है इसमें? जो दोनों दुकानें जो सीज की थी, उसने बताया कि साहब मैंने सफाई के लिए खोली थी जी, और भविष्य में कभी नहीं खोलूँगा, उसको पाबंद करके इसलिए दुकान नहीं खोलेगा वो, जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक दुकान नहीं खोलने के लिए उसने। सर, हम जो भिंड आयरन के नाम से दुकान है, वहाँ से बार बार आपके पास भी या संबंधित थाने के पास शिकायत आ रही थी कि सुबह जल्दी दुकान खोल के माल बेचते, और जो फुटेज भी आए हैं उसमें माल बेच देंगे। अगर वो उसके ऊपर क्या जवाब देता है उनकी वो तो बहुत जाने, लेकिन जो साक्ष्य है और जो प्रमाणित है उनके आधार पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। भाई, पाबंद कर दिया, पहली बार हमने पाबंद कर दिया है, अब ये भी मंशा नहीं है कि भाई सबके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए, इसलिए हमने पाबंद कर दिया। नहीं मानता तो एफ आई आर दर्ज कराइए, कुछ नहीं। इसके बारे में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।